अगर किसी ने मुझे बोला कि आपको सिर्फ एक ही इक्विपमेंट को चूज करना है सो एज टू बिल्ड मसल्स एंड स्ट्रेंथ, तो फिर मैं रेजिस्टेंस बैंड को ही चूज करूंगा, क्योंकि ये काफी वर्सेटाइल है। इससे आप काफी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इवन स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी ड्रिल्स भी कर सकते हो, और इसे आप कहां भी लेके जा सकते हो। इट्स हाईली पोर्टेबल, तो आपका कंसिस्टेंसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन कैरी दिस व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर। और उसी के साथ बॉडी वेट और रेजिस्टेंस बैंड का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। काफी सारे एक्सरसाइजेस जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको आप इजी कर सकते हो, या फिर कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज को आप डिफिकल्ट भी कर सकते हो यूजिंग द रेजिस्टेंस बैंड। और उसी के साथ जब आप रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हो तो जॉइंट्स पे स्ट्रेस काफी कम आता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम वेट्स यूज करते हैं तो वो जॉइंट्स पे काफी ज्यादा लोड दे देता है, क्योंकि वेट्स खुद ही बहुत ज्यादा हैवी होता है। बट जो रेजिस्टेंस बैंड का जो रेजिस्टेंस है वो उसके इलास्टिक नेचर की वजह से उससे हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता हमें, और जो सिस्टमैटिक फटीग होता है हमारे बॉडी का आफ्टर ट्रेनिंग विद द रेजिस्टेंस बैंड इज वेरी लेस इन कंपैरिजन विद द वेट्स। आई फाउंड द हार्डेस्ट टफेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव वे इज बैंड्स, ट्रेनिंग विद बैंड्स। बट जनरली जब आप रेजिस्टेंस बैंड खरीदने जाओगे तो आपको कई सारे वैरायटीज मिल जाएंगे रेजिस्टेंस बैंड के, जैसे कि ये जो फ्लैट बैंड्स होते हैं कुछ कुछ ऐसे ट्यूबुलर बैंड्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लूप बैंड्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें भी रेजिस्टेंस होता है, और कुछ कुछ होते हैं ऐसे थेरा बैंड्स जिसमें कोई भी लूप नहीं होता, ऐसा फ्लैट, ये सिर्फ इलास्टिक बैंड्स होते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये डिफरेंट बैंड्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सरसाइजेस, और हमारे गोल के बेसिस पे हमें कौन सा बैंड चूज करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज दिस फ्लैट लूप बैंड्स। ये एक फ्लैट बैंड होता है जिसका डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, लाइट से लेके हैवी तक रेजिस्टेंस होता है इसका, बट ये कंप्लीट लूप में होता है, इसमें कहीं पे भी हैंडल्स लगाने का ऑप्शन नहीं होता है। द फर्स्ट वन इज द अनएंकर एक्सरसाइजेस, जहां पे आप बैंड को कहीं एंकर नहीं करोगे एंड स्टिल यू विल बी एबल टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। द सेकेंड वन इज द एंकर एक्सरसाइजेस, जहां पे आपको एक डोर एंकर यूज करना है और फिर इस बैंड को कहीं पे भी एंकर कर लेना है, एंड देन यू कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, या तो फिर आप डायरेक्टली कोई भी रॉड को भी इसको अटैच करके एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज सम ऑफ द स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी ड्रिल्स, जिसमें ये काफी आपको हेल्प करेगा। द फोर्थ वन इज सम ऑफ द असिस्टेंस विद द एक्सरसाइजेस, अगर आपको पुलअप्स करने नहीं हो रहा है, पुशअप्स करने नहीं हो रहा है, या फिर कोई डिफरेंट कैलिस्थेनिक स्किल्स करने नहीं हो रहा है, तो आप ये बैंड को अटैच करके थोड़ा असिस्टेंस ले सकते हो व्हाइल यू आर लर्निंग दैट डिफिकल्ट स्किल और द एक्सरसाइजेस। और उसी के साथ कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज को अगर आपको डिफिकल्ट करना है तो आप इन रेजिस्टेंस बैंड को यूज करके उनका रेजिस्टेंस को और बढ़ा सकते हो, जिससे आप आपके स्ट्रेंथ लेवल्स को और भी ऊपर लेके जा सकते हैं यूजिंग दिस बैंड। तो जनरली इन बैंड्स का एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास हैंडल नहीं होता है, तो आपको शायद से ग्लोव्स यूज करना पड़ेगा ताकि आप इसको सही तरीके से ग्रिप करें, नहीं तो फिर ये आपको यहाँ पे लग भी सकता है। बट मैं तो ग्लोव्स यूज नहीं करता हूँ, आई हैव बीन यूजिंग दिस बैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम गेटिंग यूज टू इट। और अगर आपको उतना डिफिकल्टी होती है तो आप ऐसे हैंडल्स भी लगा सकते हो इन बैंड्स को, एंड देन यू हैव टू अटैच इट एंड देन यूज इट जस्ट बाय पुलिंग दिस साइड ऑफ द रेजिस्टेंस बैंड। द सेकेंड वेरियंट इज दिस ट्यूबुलर बैंड्स। ये ट्यूबुलर बैंड्स के भी लो रेजिस्टेंस होते हैं और हाई रेजिस्टेंस होते हैं। इस बैंड्स का सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे आपको हैंडल्स लगाने को मिलता है, तो इजीली आप जो भी आइसोलेटेड मूवमेंट्स कर रहे हो या फिर अनएंकर्ड एक्सरसाइज कर रहे हो वो इससे आप थोड़ा बेटर कर पाओगे, क्योंकि आपको हैंडल्स मिल रहा है और इसको ठीक से यूज करना थोड़ा इजी हो जाता है। और उसी के साथ एंकर्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप यूज करके इन ट्यूबुलर बैंड्स को। जस्ट आपको डोर एंकर में इस बैंड को ऐसे फंसा लेना है और फिर ये डोर एंकर को डोर की तरफ लगा लेना है, एंड देन यू कैन परफॉर्म द एंकर्ड एक्सरसाइजेस जैसे कि पेक फ्लाई, ओवरहेड प्रेस, रोज एंड ऑल दैट अदर एक्सरसाइजेस। तो एंकर एंड अनएंकर एक्सरसाइज तो आप इजिली कर सकते हो इन ट्यूबुलर बैंड के साथ भी और फ्लैट बैंड के साथ भी, बट जो असिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए वो ये ट्यूबुलर बैंड नहीं कर सकता है, बट वो फ्लैट बैंड से आप इजिली कर सकते हो। तो फ्लैट बैंड का थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है व्हेन वी वांट टू ऐड सम असिस्टेंस और सम रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। एंड मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग के लिए भी ये बैंड इतना यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि ये एक लूप बैंड नहीं है, ये ओपन एंडेड बैंड है। तो जनरली आई वुड प्रीफर द फ्लैट लूप बैंड्स ओवर दीज बैंड्स फॉर स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी ड्रिल्स। उसके बाद हमारे पास है थेरा बैंड्स। इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, ये लाइट है, ये मीडियम है और ये हैवी है। तो ये जो थेरा बैंड्स जस्ट एक रबर के ट्यूब जैसा ही है, तो इसको आपको डायरेक्टली कहाँ पे बांध लेना है और फिर आप कुछ रोइंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसे बैंड पुल अपार्ट्स कर सकते हो, एकदम बेसिक रिहैब एक्सरसाइजेस आप काफी अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप कोई ओल्ड पीपल्स को ट्रेन कर रहे हो तो ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, या फिर आपको कुछ इंजुरी हो गया और आप काफी वीक हो चुके एंड यू हैव टू रेज्यूम विद योर ट्रेनिंग, तो ये आपको काफी यूजफुल होगा। यू कैन स्टार्ट विद योर रिहैब एक्सरसाइजेस। और उसी के साथ अगर आपको कोई स्मॉल पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करना है स्पेसिफिकली, तो भी ये आपको काफी यूजफुल हो सकता है। तो इन थेरा बैंड्स को आप मेजरली ऐसे रिहैब इक्विपमेंट पकड़ सकते हो या फिर ऐसे एक्टिवेशन टूल बिफोर योर मेजर लिफ्ट्स। नाउ द फोर्थ वन इज दी स्मॉल लूप बैंड्स। तो ये भी रेजिस्टेंस बैंड काफी यूजफुल होते हैं,
ये अभी ये जो मैंने लिया है वो क्लोथ वेरिएंट है, इसका रबर वेरिएंट भी आता है बट रबर वेरिएंट जल्दी से फट जाता है तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस क्लोथ वेरिएंट। तो ये कभी फटेगा नहीं। जो जनरली आपके लेग एक्सरसाइजेस जिसमें ज्यादा एडक्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है वो आपको करने के लिए काफी यूजफुल होगा। इवन द अपर बॉडी एक्सरसाइजेस जो कि जनरली रोटेटर कफ के होंगे या फिर आपके लैट्स के होंगे उनके लिए आप ये अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, बट मैंने जनरली इसको लेग वर्कआउट्स के लिए लिया है, बेसिकली द ग्लूट वर्कआउट्स। जनरली अगर आप एथलीट हो, रनर हो, स्विमर हो या फिर कोई भी कार्डियो एक्टिविटीज ज्यादा करते हो तो आपको ग्लूट्स को ट्रेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको सही तरीके से घर पे ट्रेन करना है ग्लूट्स को तो ये बैंड आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इन बैंड्स के साथ आप कुछ एक्सेसरी इक्विपमेंट भी ले सकते हो, जैसे कि ये डोर एंकर जो कि आपको ये बैंड्स को एंकर करने के लिए हेल्प करेगा, और ये है एंकल स्ट्रैप जो कि आपको लेग एक्सरसाइज करने के लिए बहुत यूजफुल होगा, जिसको आपको एंकल में स्ट्रैप कर लेना है और फिर जो बैंड है वो इसमें आपको हुक कर लेना है और फिर आप कई सारे लेग एक्सरसाइज कर सकते हो यूजिंग दिस एंकल स्ट्रैप। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस बैंड के बारे में काफी अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो में। तो यही चार वेरिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस बैंड आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस बैंड के कोई वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इन पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसमें आप ज्यादा वेरिएशन डाल पाओगे एक्सरसाइज के, और अगर आप सिर्फ होम वर्कआउट्स करते हो तो आप पुशिंग मसल्स को तो इजीली ट्रेन कर सकते हो विद द पुशअप्स एंड अदर वेरिएशंस, बट पुलिंग मसल्स ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस बैंड को ऐड करना काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वहां पे टू ट्रेन द पुलिंग मसल्स। और उसी के साथ अगर आप कैलिस्थेनिक्स सीख रहे हो तो आपको ये जो रेजिस्टेंस बैंड है वो काफी यूजफुल होने वाला है, सो एज टू प्रोवाइड सम असिस्टेंस विद द एक्सरसाइजेस, एंड उसी के साथ जो ट्यूबुलर बैंड्स है उससे आप कुछ आइसोलेटेड एक्सरसाइज भी कर सकते हो। सो आई वुड से दैट अगर आप होम वर्कआउट्स करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो तो रेजिस्टेंस बैंड आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, so as to maintain your muscle mass and even gain your strength and muscle size. तो ये जो resistance band है उनको मैं काफी लंबे समय से use करते आ रहा हूँ, अभी तक वो मुझे काफी durable लग रहे, almost एक साल तो आप easily चला पाओगे, उससे ज़्यादा भी चला पाओगे, but you need to buy the best ones. तो कुछ अच्छे resistance band के link मैं description में डाल दूँगा, वहाँ से आप देखकर purchase कर सकते हो. And if you found this video helpful, then make sure you like the video, share with everyone, and subscribe to our channel for more such content on workout and nutrition. So we will meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.